नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिहार पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में बनी वोटर लिस्ट में जिनका होगा नाम वही पंचायत इलेक्शन में डाल सकेंगे वोट। बिहार पंचायत चुनाव के लिए एक खबर सामने आ रही है जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तभी आप आगामी पंचायत चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यदि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जा रहे मतदाता सूची में नाम है तो ऐसे मतदाता पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। बिहार विधानसभा के लिए जिस मतदाता सूची बनाया गया था उसमें नाम जोड़ने के लिए 19 जनवरी से 1 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 19 जनवरी से मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तथा इसी दिन से लोग अपने नाम जुड़वा सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए लोगों को मैनुअल आवेदन करना होगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था नहीं होगी। नाम जोड़ने के लिए व्यक्ति संबंधित BLO को आवेदन दे सकते हैं जिसमें यह जिक्र होना चाहिए कि वे पंचायत चुनाव के लिए बन रहे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं। पंचायत चुनाव के लिए तैयार हो रहे मतदाता सूची के लिए किसी प्रकार का दावा आपत्ति करने की अवधि 20 जनवरी से 8 फरवरी तक निर्धारित की गई है। 19 फरवरी को पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। पंचायत चुनाव से संबंधित तैयार हो रही मतदाता सूची को 24 फरवरी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव को देखते हुए जो व्यक्ति अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं वह संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं। पटना जिले में लगभग 47 लाख मतदाता हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सामान्य मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12 जनवरी तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। गया में CM नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना धराशायी, उद्घाटन से पहले ही गिरी पानी की टंकी। बिहार के गया जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर घर नल जल योजना के तहत घरों में पानी सप्लाई अधूरी रह गई और योजना के उद्घाटन होने से पहले ही पानी की टंकी धराशायी होकर गिर पड़ी। घटना रविवार को गुरुआ प्रखंड क्षेत्र के फलुहारा पंचायत की वार्ड संख्या 13 वैदा गांव में घटी। जानकारी के अनुसार गुरुआ प्रखंड के फलुहारा पंचायत के वार्ड संख्या 13 वैदा गांव में नल जल योजना के तहत घर घर पानी की सप्लाई शुरू होने से पहले ही लोहे की बनाई गई मीनार गिरकर ध्वस्त हो गई। लोहे के पोल से बनी मीनार पर स्थित पानी से भरी टंकी जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। चांसी गांव के पंचायत समिति सदस्य उषा देवी और लालदेव यादव ने बताया कि वैदा गांव के करीब 16 लाख रुपए से वार्ड सदस्य एवं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ने एक वर्ष पूर्व से नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य शुरू कराया था। योजना के तहत निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार को घर घर शुद्ध पानी की सप्लाई करने के लिए मोटर चालू कर पानी की टंकी भरी जा रही थी, लेकिन इसी बीच लोहे की मीनार टंकी के पानी का लोड नहीं सह पाया और पानी भरते ही लोहे की मीनार टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। नए साल में CM नीतीश की ताबड़तोड़ बैठकें, अधिकारियों से बोले शहरों में सुगम यातायात के लिए करें खास पहल। नए साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के अंतर्गत सुशासन के कार्यक्रम सुलभ संपर्कता योजना की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिहार के सभी शहरों में सुगम यातायात के लिए खास पहल करें। उन्होंने शहरों में यातायात को सुगम बनाने के लिए खासतौर पर पहल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने शहरों में बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाकर तेजी से इस पर काम करने को कहा। CM ने कहा कि बिहार में सुलभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक बाईपास एवं फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाकर तेजी से काम करें। पटना मेट्रो में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया, जाने कितने हैं पद और कैसे करें आवेदन। नए साल में पटना मेट्रो के काम को रफ्तार दिया जाएगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए अधिकारियों की बहाली का फैसला लिया है। इसके लिए 27 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन होगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। आवेदन शर्त के अनुसार इन पदों पर भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रम, किसी राज्य सरकार के उपक्रम में काम करने वाले अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन किया जाएगा। नगर विकास व आवास विभाग की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन लिंक के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी समय सीमा 4 जनवरी से 18 जनवरी तक है। योग्यता और अनुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को मेल से इंटरव्यू की जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि सभी पदों पर 3 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर होनी है। बिहार में 90,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी,
आरजेडी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। दरअसल सरकार जानबूझकर शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मामले को लटकाए रखना चाहती है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि सरकार अपने निर्णयों को लागू करने में टाल मटोल कर रही है। यहां तक कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के प्रति भी गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही 90,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सरकार जानबूझकर लटकाए हुए है। आखिर सरकार काउंसलिंग का शेड्यूल क्यों जारी नहीं कर रही है? दूसरी तरफ शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर मधुबनी में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बर्बरता पूर्वक पीटकर सरकार ने अपना निर्मम रवैया प्रदर्शित किया है। राजद इसकी घोर निंदा करता है। बिहार में लग रहा ऐसा बिजली मीटर, रिचार्ज से लेकर ऑन ऑफ तक सब कुछ होगा मोबाइल से कंट्रोल। बिहार में नए साल में कई बदलाव आएंगे, इसी में से एक है बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर। बिजली कंपनी द्वारा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाया जा रहा है। राजधानी पटना सहित अन्य कई शहरों में इसके लिए कवायद जारी है। कई जगह नया बिजली मीटर फंक्शन में आ चुका है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। बिल में इस बात का पूरा विवरण दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली खपत हुई है। इस नए बिजली मीटर को आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकेंगे। मोबाइल में ऐप के जरिए आप जब चाहे घर का लाइन काट सकते हैं। प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली आपूर्ति का लाभ लेने के लिए पहले रिचार्ज कराना होगा। जितने का रिचार्ज होगा उतनी ही बिजली की आपूर्ति होगी। रिचार्ज की अवधि समाप्त होने के बाद स्वतः कनेक्शन कट जाएगा। बिहार की सड़कों पर कोहरे का कहर, हाईवे पर 6 गाड़ियों में हुई टक्कर, सरसों तेल लूटने दौड़े स्थानीय। नए साल की शुरुआत में सोमवार की सुबह कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर 6 गाड़ियां दुर्घटना की शिकार हो गईं। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। वहीं इस हादसे से NH-28 पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाई, जिसके बाद NH पर वाहनों का परिचालन शुरू हो सका। सोमवार की अहले सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक सड़क कोहरे की चपेट में रही। पहला हादसा डुमरिया पुल के पास हुआ, जिसमें कार व ट्रक चालक घायल हो गए। इसके बाद नगर थाने के बसडीला के समीप NH-28 पर हुआ, जहां ग्वालियर से मुजफ्फरपुर सरसों तेल लेकर जा रही ट्रक और बालू लोडेड ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में सरसों तेल का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से घायल कन्हैया शाह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में NH-28 पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। हाईकोर्ट में दिखा गजब का नजारा, शीशे के इस पार वकील, उस पार जज, फरियाद मेन गेट के बाहर पटना हाईकोर्ट खुला तो ऐसा दिखा नजारा। कोर्टरूम में लगी शीशे की भारी भरकम दीवार, दीवार के एक तरफ बहस करते वकील तो दूसरी तरफ उसे सुन रहे जज। कोर्टरूम में सिर्फ 4 वकीलों के एंट्री, बाकी वकील कोर्टरूम से बाहर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सोमवार को पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई तो ऐसा ही नजारा दिखा। ऐसे कोर्टरूम की कल्पना भी कोरोना काल से पहले नहीं की गई होगी। दरअसल कोरोना शुरू होने के बाद काफी दिनों तक कोर्ट बंद रहे, बाद में ऑनलाइन सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि सोमवार से फिजिकल सुनवाई होगी। इसकी शुरुआत हो गई। हाईकोर्ट का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। वकीलों को कोर्ट परिसर में प्रवेश करने के लिए ई पास लेने को कहा गया था। जिनके पास ई पास था वे गेट नंबर 3 से कोर्ट परिसर के अंदर आए। जब उनके केस की सुनवाई शुरू हुई तो उन्हें कोर्ट रूम में जाने का मौका मिला। कोर्ट रूम में शीशे की मोटी दीवारें लगी थी, जिसके दूसरी ओर जज बैठे थे। कोर्ट रूम में वकीलों के लिए सिर्फ 4 कुर्सियां रखी गई थी। सिर्फ केस से संबंधित वकीलों को ही कोर्ट रूम जाने की इजाजत मिली। बाकी वकीलों के लिए बरामदे में कुर्सियां लगाई गई थी, वे वहां बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते थे। BSTDC का नया टूर पैकेज, मात्र 600 रुपये में कर सकेंगे नालंदा, राजगीर, बोधगया और पावापुरी की सैर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम अब सिर्फ 600 रुपये में नालंदा, राजगीर, बोधगया और पावापुरी की सैर करा रहा है। टूर पैकेज की बुकिंग आर ब्लॉक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्यालय के काउंटर से सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक करा सकते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास के निगम के अनुसार लोग एक दिन पहले तक यात्रा करने के इच्छुक लोग करा सकते हैं बुकिंग। पर्यटकों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम आर ब्लॉक स्थित कार्यालय पर आना होगा। यात्रा समाप्ति के बाद सभी पर्यटकों को वापस इसी जगह ड्रॉप कर दिया जाएगा।
पर्यटक हर शनिवार और रविवार के टूर पैकेज के जरिए यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक पानी का बॉटल भी दिया जाएगा। लोगों को अपने खाने का प्रबंध खुद करना होगा। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की, तो बिहार में मिले कोरोना के 344 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 254,278। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 344 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 254,278 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,662 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 143 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 344 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 254,278 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो ये है कि महज 24 घंटे के भीतर 631 लोग कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,50,000 के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 248,210 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।